हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के फॉर्म को भरते समय आपको दो तीन बातों का ध्यान रखना है। उन्हीं चीज़ों को मैं इस वीडियो में डिफाइन करूंगा कि फॉर्म फिल करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे हमें फॉर्म को फिल करना है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दें कि ये जो वेबसाइट है, इस URL को अगर आप ब्राउज़र पर डालकर जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके का कुछ पेज ओपन होकर आएगा। फिर आपको करना क्या है, अगर आप पहली बार फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको ये नया रजिस्ट्रेशन फिल करना है। अगर आप अपना फॉर्म भर चुके हैं और आपको पेमेंट करना है तब भी आप इसी लिंक का यूज़ करते हुए यहाँ पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डालकर आप यहाँ पर सबमिट करेंगे। ओके, अब जैसे ही कोई नया पर्सन नया फॉर्म को फिल करेगा तो जब वो यहाँ पर क्लिक करेगा क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो वहाँ पर एक विंडो ओपन होकर आएगी और उस विंडो में आप इस तरीके की वैल्यूज़ को देखेंगे। अब जैसे यहाँ पर लिखा है फर्स्ट नेम, स्टार लगा है, इसका मतलब ये फील्ड्स मैंडेटरी है, इनको आपको फिल करना जरूरी है। तो फर्स्ट नेम में आप अपना नेम फिल करेंगे, अगर किसी का नाम अमित है तो AMIT वो यहाँ पर अपना नेम फिल करेगा अमित, और उसका कंफर्म करेगा फर्स्ट नेम एज इट इज टाइप करके यहाँ पर। ओके, इसके बाद ध्यान रखना मिडिल नेम है तो फिल करो, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर आप आ जाओ लास्ट नेम पर, अगर आप अमित गुप्ता या अमित शर्मा हैं तो आप यहाँ पर अपने लेटर्स को टाइप करें GUPTA। इसके बाद यही चीज आपको कंफर्म करनी है यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर दोस्तों डालना है। मोबाइल नंबर ध्यान रहे कि 0 मत लगाना, डायरेक्टली अपनी डिजिट को फिल कर देना, +91 ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, यही मोबाइल नंबर आपको कंफर्म करना है। अब जैसे आपका अगर मोबाइल नंबर है 1 2 इस तरह से डिजिट फिल करना है, इसके आगे 0 लगाकर मत फिल करना। ओके, इसको कंफर्म कर देना। इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, जैसे मैं कहूँ कि किसी की ईमेल आईडी है abc@gmail.com, ठीक है, ये चीज़ है। तो आप क्या करोगे, पहले यहाँ पर ABC फिल करोगे, @ यहाँ पर आएगा, डोमेन नेम पर जैसे ही जाकर क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, रेडिफ, याहू, ओके, जीमेल, तो उसमें से आप उसको सेलेक्ट कर लेना। यहाँ से अगर आपका नहीं आ रहा है तो एक ऑप्शन आएगा अदर का, आप उस वाली चीज़ को सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद अपनी पूरी आईडी यहाँ पर फिल कर देना, abc@gmail.com अगर आपकी ये आईडी है तब। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा डालना है और नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देना है। जैसे ही आप सेव करोगे फिर आपका एक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो इस जगह पर दोस्तों आ जाएगा। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी ईमेल पर भी आएगा और आपके फ़ोन नंबर पर भी एक SMS के थ्रू आ जाएगा, ठीक है, और उसके साथ एक पासवर्ड होगा। जब कभी भी आपको अपने फॉर्म को डाउनलोड करना होगा, ओके, या फिर आपको जो है पेमेंट करना होगा, उसी दौरान आप कर सकते हैं। चेंजेस आप अगर पेमेंट कर देंगे उसके बाद आप फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि फॉर्म को फिल बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है। ओके, तो ये दोनों चीज़ें आप स्टोर करके रख लेना। वैसे मैं यही कहूँगा कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट लेने से ये चीज़ आपके पास आ जाएगी और बाकी ईमेल और जो आपका फ़ोन पर है वो तो आ ही जाएगा। ओके, फिर हमें क्या करना है कि अपना स्कैन फोटोग्राफ जो है वो अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फिर हमें सबमिट करना है। ओके, ये जो नेक्स्ट पर क्लिक करके, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, फोटोग्राफ और सिग्नेचर की कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको अगर आप देखना चाहें तो गाइडेंस फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ सिग्नेचर पर क्लिक करें, और ये जो आ रहा है ना गाइडलाइंस स्कैनिंग फॉर फोटोग्राफ, इस पर क्लिक करें, तो इन दोनों से आप वो चीज़ जो है यहाँ पर देख सकते हैं। तो मैं गाइडलाइन आपको बता रहा हूँ, सिग्नेचर की गाइडलाइन में ध्यान रखना कि आपको कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं लिखने। अब जैसे कोई अमित है तो वो अपने सिग्नेचर इस तरीके से बिल्कुल ना करे, ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगा, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। वो कोई भी स्टाइल मार के इधर उधर से वो अपने जो भी करता है उस तरीके का सिग्नेचर उसका होना चाहिए। ओके, और जो साइज है वो 10 से 20 KB ही होना चाहिए, और जो डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए, 140 × 60, मतलब इसकी जो लेंथ है वो इतनी 140 होनी चाहिए ये वाली चीज़, और ये चीज़ 60 होनी चाहिए पिक्सल में। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पर। अब दूसरी चीज़ क्या है कि जब आप सिग्नेचर को सेव करें तो आप इस तरीके से कर लें SIGN.JPG या फिर image01.JPG इस नाम से भी आप स्टोर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आपका ये भी एक्सटेंशन हो सकता है कि .jpeg, ठीक है, ये दोनों एक्सटेंशन लेंगे, .png या फिर कोई अदर एक्सटेंशन जो है इसको मत लेना, ओके। तो ध्यान रखना .jpg या .jpeg इसी में ही आपका होना चाहिए। अगर मैं फोटोग्राफ की बात करूं तो कोई भी टोपी लगाकर फोटो मत खिंचवाना, ना ही आप कोई भी एक स्टाइलिश सा जो है ग्लासेस लगाकर फोटो मत खिंचवाना, क्योंकि इन्होंने लिखा है क्लियरली कि कैप्स, हैट और डार्क ग्लासेस जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। आप कोशिश ये करना कि नई फोटोग्राफ जब आप प्रिंट कराने जाएं तो आप अपना बैकग्राउंड जो है वो वाइट रखवाएं, ओके। वाइट बैकग्राउंड पर अपनी कलर फोटोग्राफ जो है इसको आप प्रिंट करवाएं, ठीक है, ये सबसे बेस्ट तरीका है। और पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर होना चाहिए। और ध्यान रखना अगर आप जो है सनग्लासेस या फिर आप कोई कॉन्टैक्ट लेंसेस या फिर आप कोई भी चश्मा टाइप का यूज़ करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप ग्लासेस को यूज़ कर रहे हैं कोई इशू नहीं है, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन जो है वो अपनी आइज़ में नहीं होना चाहिए, क्लियरली आपके जो है आइज़ जो है वहाँ पर दिखाई देनी चाहिए, ये चीज़ का ध्यान रखना, ओके। दूसरी चीज़ क्या है कि जो रेड आईज आ जाती हैं कुछ फोटोज़ में वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी रेड आई, मतलब कि जब आपकी आईज़ होती हैं तो यहाँ पर लाल तरीके की रोशनी बिल्कुल आकर दिखाई देती है, उस तरीके के फोटोग्राफ्स बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, ये नहीं चलेगा, ओके। और 20 से 50 KB के बीच में साइज होना चाहिए, चाहे आपका 31 KB का हो चाहे आपका 21 KB का हो, लेकिन अगर फाइल 19 KB की होगी तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं अपलोड होगी, ओके। डायमेंशन ध्यान रखना 200x230, ठीक है, 200x230 ये वाला डायमेंशन आपका रहेगा, ओके, 200 और 230, इस पर आपका फोटो होना चाहिए। अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई, फिर जब आप फोटो अपलोड कर लोगे, सिग्नेचर कर लोगे, तो नेक्स्ट बटन पर जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास में ये वाला पेज ओपन होगा। अब इस पेज में आपको सबसे पहले कैटेगरी चूज़ करना है, किस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं। अगर आप यहाँ पर कैटेगरी चुनने में गलती कर देंगे तो जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या फिर जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है, उसके आप जो है एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा। तो आप जनरल हैं तो जनरल को फिल करें, अगर आप SC ST OBC हैं तो वही वाले जो है रेडियो बटन को सेलेक्ट करें, ओके। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आता है Are you a person with disability, किसी भी तरीके की अगर डिसेबिलिटी है तो यस और नो को क्लिक करें, यस है तो यस करें, नो है तो नो पर क्लिक कर दें, ओके। फिर अगर यस होगी तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी चेक करनी होगी। एक चीज़ यहाँ पर लिखी, आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी एंड योर राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड, मतलब जिन लोगों को मस्तिष्क की बीमारी है, जिनका देखते हैं थोड़ा सा मूड टेढ़ा है या फिर वो बोलने में या फिर दिमागी संतुलन सही नहीं है, तो उन लोगों को राइटिंग स्पीड अगर उनकी इफेक्टेड है तो वो लोग यस और नो क्लिक करें, उनके लिए जो है इस तरीके की जो है फैसिलिटी जो है एग्जामिनर एंड से प्रोवाइड कराई जाएगी, ओके। तो ये चीज़ आ जाती है डिसेबिलिटी में, अगर आप यस करेंगे तभी आपको ये सारे पैरामीटर जो है फिल करने होंगे। अगर आपको स्क्राइब चाहिए तो उसके लिए आप यस क्लिक करें, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना है यहाँ पर। अगली चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब इसमें लिखा हुआ है कि क्या जम्मू एंड कश्मीर में एक 1980 से 31 बार है 1989 के बीच में आप डोमिसाइल थे, तो यस और नो पर क्लिक करें, ओके। अब इसके बाद में अपना जो है रिलीजन स्पेसिफाई करें कि जो सेलेक्ट कर लें हिंदू मुस्लिम, ठीक है, जो रिलीजन आ रहा है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। फिर आप अगर किसी अदर, जैसे आपने जैनिज्म सेलेक्ट किया तो अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो कर दें, ठीक है। बाकी एक पॉइंट ये वाला है कि प्लीज़ मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजंस ऑन विच यू हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ PO इन SBI। आपको ये यहाँ पर बताना होगा कि कितने बार आप SBI PO में अपीयर कर चुके हैं, मतलब अगर आपने प्रीलिम्स दिया है तो आप कोई बात नहीं, ठीक है, तो 0 लिखें, अगर आपने मेंस दिया है तो आप 1 फिल करें, 2 करें, 3 करें, 4 करें, इस तरीके से आपको यहाँ पर डिजिट जो है पुट करनी है, ओके। अब दूसरी चीज़, अगर आपने कोई अटेम्प्ट नहीं लिया तो आप 0 फिल कर दें, यहाँ पर कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। इसके क्योंकि ये फील मेंट्री है, स्टार बनाया है तो आपको यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू डालनी ज़रूरी है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कि कोई भी आपका रिकॉर्ड रीपेमेंट ऑफ लोन्स, क्रेडिट कार्ड ड्यूज और कोई भी ऐसा एडवर्स रिपोर्ट है, ठीक है, जो कि आपकी जो है जैसे बैड लोन्स कह ले, ठीक है, वो किसी भी तरीके का हो जा सकता है, जैसे एजुकेशन लोन हो, व्हीकल लोन हो, होम लोन हो, पर्सनल लोन हो या क्रेडिट कार्ड हो, अगर वो डिफॉल्टेड है या फिर आपने मिस कर दिया है तो आप लोग इस एग्ज़ाम के लिए जो है अपीयर नहीं कर पाएंगे, आपका सिविल स्कोर जो है यहाँ पर मेंटेन
चेक हो रहा है, ठीक है। सिविल स्कोर जो है ये आपकी ज्वाइनिंग से पहले बैंक किसी भी तरीके से चेक कर लेगा, तो ये चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखना। ओके, अब एक बात यहाँ पर और लिखी है कि डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग करेक्टर एंड एंडिसेंट एंड मोरल जो है एटीट्यूड। तो इसमें क्या है कि अगर आपका कोई बैड कंडक्ट करेक्टर रिपोर्ट है जो कि पुलिस में फाइल है, कोई पेंडिंग इंक्वायरी है, तब भी आप इस एग्ज़ाम में जो है नहीं अपेयर कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी क्रिमिनल ऑफेंसेस अगर आपके अगेंस्ट में है, कोई FIR है जो रनिंग मोड पर चल रही है, तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। तो अगर नहीं है तो आप नो पर क्लिक कर दें, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम है, कोई इशू नहीं होगा यहाँ पर। अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हैं या नहीं हैं तो यस और नो करें, ठीक है। और एक्स बैंक के एम्प्लॉय के लिए यहाँ पर ये पूछ रहा है, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो ऑप्शनल है, ओके, ये चीज़ ऑप्शनल है। अगर आप यहाँ पर आधार कार्ड डालना चाहें या ना डालना चाहें, नो इशू। पैन नंबर भी ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें कोई इशू नहीं, नेशनलिटी ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगी, ओके। इसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जो है किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। इसमें लिखा है कि एग्जामिनेशन सेंटर फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, मतलब कि आप प्री का एग्ज़ाम किस स्टेट में जाकर देना चाहते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे सारे स्टेट आ जाएंगे। अगर आपने दिल्ली NCR चूज़ कर लिया तो फिर आपसे यहाँ पर पूछेगा कि आप दिल्ली में जाएंगे, गाज़ियाबाद में जाएंगे या फिर कहाँ पर जाएंगे, ये चीज़ का ध्यान रखना। फिर आपसे पूछेगा मेंस का एग्ज़ाम आप कहाँ पर देना चाहते हैं। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि आप प्रीलिम्स कहीं और दें, मेंस किसी और दूसरी जगह दे दें, ये कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। स्टेट कोड की बात यहाँ पर है, ये अपने आप आ जाएगा, और आपको चूज़ करना होगा अपना सर्किल की कहाँ पर आप मेंस का एग्ज़ाम देने वाले हैं। फिर डेट ऑफ बर्थ में आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी, जैसे अगर किसी की मैं कहूँ कि 01/01/1990 है तो वो इस तरह से भरेगा, 01 सेलेक्ट करके, फिर मंथ यहाँ पर सेलेक्ट होकर आप जन फिल फाइल कर देंगे और यहाँ पर 1990 सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिखकर आ जाएगा कि कितनी आपकी एज हो गई है, ओके। जेंडर आपको अपना स्पेसिफाई करना है, मार्शियल स्टेटस आपको बताना है, अगर आप मैरिड अनमैरिड जो भी हैं आप इस चीज़ को यहाँ पर देखकर फिल कर सकते हैं, जो भी आपका स्टेटस है। फिर आपको अगर कोई एक फीमेल कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर रही है तो वो यहाँ पर ऑप्शंस हैं कि हस्बैंड का नाम या फादर का नाम फिल कर ले, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर उनका फर्स्ट नेम डालना है, फिर मिडिल नेम डालना है, फिर लास्ट नेम डालना है, उसके बाद मदर का फर्स्ट नेम, अगर मदर का मिडिल नेम है तो डालो, और लास्ट नेम जो है वो डालो अगर है, जिसमें स्टार बना है वो वैल्यू आपको डालनी जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको अपना एड्रेस डालना है जो करेस्पॉन्डेंस का, जिस पर बैंक आपसे पत्राचार कर सकती है, तो वो चीज़ यहाँ पर फिल कर लो। अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट कर लो, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है इसको फिल करो, स्टेट सेलेक्ट करो और पिन कोड यहाँ पर डाल दो। इसके बाद में अगर सेम यही एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर आप टिक कर देना, आपकी सारी वैल्यूज अपने आप भर जाएंगी। नहीं है तो आप परमानेंट एड्रेस दूसरा डाल सकते हैं, इस पर टिक मत करना, फिर सारी वैल्यूज यहाँ पर मैनुअल इनपुट देना। फिर अमाउंट जो है वो आपका 600 रुपये दिखाएगा, और जैसे ही आप पहले वैलिडेट कर लेना कि कोई भी डिटेल छूट तो नहीं गई है, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। फिर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे क्वालिफिकेशन वाला राउंड आ जाएगा। क्वालिफिकेशन को सेलेक्ट करना कि ग्रेजुएशन आपने किस पर किया है, तो यहाँ पर अपेयरिंग और पास्ट में ध्यान रखना, अगर आप अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट करें, अगर आपकी डिग्री आ चुकी है, जो आपकी मार्कशीट आ चुकी है, पास हो चुके हैं, तो पास पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आ रहा है डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम, किस स्ट्रीम से आपने किया है, BSc किया है, BA किया है, BCom किया है, BCA, ये सब आएगा। अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालें, कहाँ पर ये इंस्टीट्यूट है, और उसके बाद में कब आपने पास किया है ये एग्ज़ाम फाइनल वाला। मार्क्स डालें और अपनी क्लास को सेलेक्ट करें, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। अगर आप डुअल डिग्री में हैं तो आप डुअल डिग्री को करें, अगर आपने साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप उसको भी सेलेक्ट करके डिटेल यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपका एक पॉइंट और आएगा, लैंग्वेज नोन वाला। देखो, जो कैंडिडेट SC और ST को बिलोंग करते होंगे उनके लिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर यस और नो करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि क्या आपको प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कुछ ऐसे जो IBPS क्या है कि कुछ आपको सेंटर डिवाइड कर देगा जिसमें आपको एग्ज़ाम कैसे देना है, क्या इंस्ट्रक्शंस होते हैं, वो सारी चीज़ें SC ST रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए देता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ओके, इंग्लिश लैंग्वेज आपको रीड राइट स्पीक, इस पर आप अपना टिक मार दें, फिर आप वैलिडेट करें और यहाँ पर सेव और नेक्स्ट कर दें, ठीक है। इसके बाद में आपका एक पेज जो है ये आपकी PDF टाइप की खुल के आ जाएगी, उस PDF में नीचे के लिए एक बटन होगा जिसमें लिखा होगा आई एग्री, ठीक है। अगर आपने आई एग्री पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दिया
तो आप पेमेंट वाले पेज पर आ जाएंगे। अगर आपको कोई चीज़ एडिट करनी है तो आप बैक जाएं और इस तरीके से डिटेल अपनी चेक कर लें। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना कि अगर आपको दोबारा से पेमेंट करना है तो यही लिंक खोलना होगा और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड डाल के लॉग इन करें। ओके, अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो अपने फॉर्म को डाउनलोड करके रख लें, ईमेल पर सेव कर लें और PDF जो है वो स्टोर करके जरूर रख लें। तो ये पूरी प्रक्रिया थी फॉर्म को भरने की। अगली वीडियो में दोस्तों हम लोग फिर मिलेंगे। अगर आपके डाउट हैं पूछें, यहाँ पर कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।